दोस्तों, हम कई बार सोचते हैं कि एलियंस या मॉन्स्टर्स होते हैं या नहीं, पर आज तक हमें इसका जवाब नहीं मिल पाया है। दोस्तों, अगर आपने स्ट्रेंजर थिंग्स, जो कि नेटफ्लिक्स का एक बहुत ही पॉपुलर वेब सीरीज है, वो अगर आपने देख रखा है तो आपको पैरेलल यूनिवर्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जरूर होगी। दोस्तों, उस वेब सीरीज में ऐसा दिखाया गया है कि अमेरिका में कई रशियंस मिलके इस अर्थ से दूसरे किसी यूनिवर्स से कॉन्टेक्ट बनाते हैं। ये सब काम वो एक लैब के अंदर करते हैं, जो कि एक खुफिया जगह पर रहती है, और जो दूसरे यूनिवर्स का जो दरवाजा रहता है उसके अंदर से काफी सारे मॉन्स्टर्स और अलग तरीके के क्रिएचर्स बाहर आने लगते हैं। दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपको बोलूं कि ये सब एक सच्ची घटना पर आधारित है? दोस्तों, तो ये बात है 1985 की, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन यानी कि अभी का रशिया, उन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर छिड़ गई थी। कोल्ड वॉर क्या होता है? कोल्ड वॉर एक्चुअली एक ऐसा वॉर होता है जिसमें दो कंट्रीज या उससे ज़्यादा कंट्रीज के बीच में एक माइंड का टेंशन क्रिएट होता है, यानी कि उसमें किसी भी तरह का फिजिकल हार्म नहीं होता है, बल्कि माइंड से वॉर लड़ा जाता है। तो इस समय में वॉर के खतरे के कारण अमेरिका में कुछ कैनन बंकर्स बनाए गए थे इन केस की कोई फिजिकल वॉर टेक प्लेस करता है तो। पर जब ये सिचुएशन सब खत्म हो गया तो इन कैनन्स को एक्चुअली में बंद कर दिया गया और गवर्नमेंट द्वारा ये सील कर दिया गया था। अब कुछ ही दिनों बाद एक अचानक से इसके पास में एक लैब बन जाता है, पता नहीं कैसे ही, और ये लैब भी कुछ दिनों बाद गवर्नमेंट द्वारा सील कर दिया जाता है। तो दोस्तों, अभी जिस जगह के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इस जगह का नाम है मोंटॉक, जो कि न्यूयॉर्क के आसपास स्थित है। तो दोस्तों, थ्योरी ये कहती है कि ये जो कैनन है, ये एक्चुअली वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे दूसरे यूनिवर्स में कॉन्टेक्ट बनाया जा सके। दोस्तों, स्ट्रेंजर थिंग्स में जैसा दिखाया गया है कि उसमें उस इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी का जरूरत है दूसरे यूनिवर्स से कॉन्टेक्ट बनाने के लिए। कट टू कट सेम स्टोरी इसमें भी है, पर सच बताऊं तो स्ट्रेंजर थिंग्स एक्चुअली इस रियल स्टोरी पे ही बेस्ड है। जी हाँ, आपको ये बात पता नहीं होगी, पर स्ट्रेंजर थिंग्स, ये जो नाम है ना स्ट्रेंजर थिंग्स, ये इसके पहले इसका नाम रखाया था प्रोजेक्ट मोंटॉक, जो कि मैंने इस जगह का नाम बताया, बट बाद में इनके क्रिएटर्स ने इसे चेंज करके स्ट्रेंजर थिंग्स रख दिया। Based on a true story. Yeah, actually. It is based on a place in Montauk, New York called Camp Hero. There was like rumors of secret government spies like doing human experiments to fight in the Cold War. दोस्तों, अगर हम लैब की तरफ ध्यान दें तो इस लैब में आप देख सकते हैं कि ऊपर एक बड़ा सा कुछ एंटीना टाइप का लगा हुआ है, पर इस एंटीना का क्या मतलब हो सकता है? इस एंटीना से एक्चुअली में वो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है ताकि वो लैब के अंदर कहीं जाके स्टोर हो सके, और ये लैब जो है उस कैनन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो दोस्तों, इस सारे बातों को सम अप कर दें तो इसका मतलब यही निकलता है कि एक्चुअल में ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट ट्राई किया गया था जिसमें दूसरे यूनिवर्स से कॉन्टेक्ट बनाया जा सके, और उसी चीज पे स्ट्रेंजर थिंग्स बेस्ड है। दोस्तों, अभी तक मैंने जितनी भी चीजें बताई ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, ये दिखाने के लिए कि पैरेलल यूनिवर्स या कोई दूसरी दुनिया कैसी हो सकती है। दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं है कि इस दुनिया का एक ही पैरेलल यूनिवर्स हो, बल्कि कई पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत सालों पहले पैरेलल यूनिवर्स के बारे में एक थ्योरी निकाली थी। दोस्तों, इस थ्योरी के अनुसार अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह कहा था कि कोई भी एक वर्ल्ड होता है उसका अनलिमिटेड नंबर ऑफ पैरेलल वर्ल्ड्स होते हैं। दोस्तों, उन्होंने ये भी बताया कि ब्लैक होल के थ्रू उन पैरेलल वर्ल्ड में प्रवेश किया जा सकता है, पर इससे पहले कि वो एग्जैक्ट मेथड निकाल पाते उनकी मृत्यु हो चुकी थी। पर एक जगह उस थ्योरी में ऐसा भी लिखा हुआ है कि उस पैरेलल वर्ल्ड्स में जरूरी नहीं है कि इंसान ही हो, बल्कि कई तरह के क्रिएचर्स भी हो सकते हैं, जो कि एग्जैक्ट चीज स्ट्रेंजर थिंग्स में दिखाया गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि स्ट्रेंजर थिंग्स की ये जो कहानी है क्या सच है, और क्या वो लैब एक्चुअल में ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था? आप मुझे कमेंट्स में बताइए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और खास कर स्ट्रेंजर थिंग्स के जो फैंस हैं उनके साथ, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि जो चीज वो देख रहे हैं, जिस चीज के वो फैन है सिनेमा के, वो चीज एक्चुअल में पॉसिबल है। और अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ऐसी वीडियोस नई नई मिलते रहें, और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।